Just want to share something today which the Lord has spoken to me many years back. और आज मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ उसके विषय में कुछ वर्षों पहले परमेश्वर ने मुझसे बात की थी. It's from 2 Timothy chapter 3. और यह दूसरा तिमोथियो उसका तीसरा अध्याय है. And the title of this message is Haters of Good. और इसका शीर्षक यहाँ पर यह है कि भलाई से बैर करने वाले, भले के बैरी. ओके, सो 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 3 we'll read. और दूसरा तिमोथी अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे. पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी. या लास्ट वन व्हाट? भले के बैरी. ओके, सो हियर द अपोस्टल पॉल इज सेइंग दैट इन द लास्ट टाइम डिफिकल्ट टाइम्स विल कम. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस तिमोथी से कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत ही बुरे, खराब दिन आएंगे, संकट के दिन आएंगे. And men will be like this. Many qualities he keeps on giving. और यहाँ पर वो कुछ गुणों को बताते हैं जिसके द्वारा वो कहता है कि आने वाले दिनों में इंसान ऐसे हो जाएगा, मनुष्य ऐसे होगा. He says they will be lovers of self, lovers of money, boastful, etc. और यहाँ पर वो कहता है कि घमंडी हो जाएंगे और खुद से प्यार करने वाले, खुद के लिए स्वार्थी बन जाएंगे. And as we look at this long list of qualities or attributes, we can say, I came across this haters of good. और यहाँ पर जब हम इस लंबी सूची को देखते हैं जो बुरे समय में मनुष्य को बना देगी, तो इसमें एक बात जो मेरा ध्यान खींचती वो यह, यहाँ पर लिखा है भले से बैर करने वाले. Chapter 3 verse 3, the last one is haters of good. और यहाँ पर दूसरा तिमोथी 3 का तीसरा वचन जो उसके आखिर में अंत में लिखा हुआ है, भले के बैरी. I was wondering what is this haters of good, anybody will hate good things. और मैं यहाँ पर यह सोचना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई अच्छी बातों से या भली बातों से भी बैर कर सकता है, नफरत कर सकता है? Everybody would love things that are good, right? और जो भी बातें अच्छी होती है हर एक व्यक्ति उससे प्यार करता है, वो चाहता है. So what is this haters of good? Can anybody tell? तो आप बता सकते हैं भले से बैर करना क्या है? What do we feel? हमें क्या लगता है या जान पड़ता है भले से बैर करना? What is to be a hater of good? Okay, something good happens to anyone, so then we are not happy. और जब किसी के साथ अच्छा होता है तो हम उसमें अच्छा महसूस नहीं करते हैं. That's absolutely correct. Anything, anybody else? Anything, any other way of looking at it? Huh? Always wanting other bad things to happen to others. Acha. Want to do wrong things to others and not good things. So then become a hater of good. But here it is talking about believers. और यहाँ पर यह विश्वासियों के विषय में बात कर रहा है. But one would think, you know, that such as all these things like disobedient to parents, ungrateful, unloving, irreconcilable, malicious gossips, all this may be from the world. But finally it says, they hold on to a form of godliness, but they have denied the power. So that means, speaking about people like us. और यहाँ पर जब शुरुआत के वचन में हम इस सूची को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि डिंग मारते, अभिमानी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, तो हम यह कह सकते कि यह सारे संसार के अविश्वासी लोगों के विषय में कहता है. लेकिन जब हम आगे वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि वो भक्ति का झूठा भेष धारण करके रखते हैं. So we also can become a hater of good. तो उसमें हम भी ऐसे हो सकते हैं कि हम भले के बैरी बन सकते हैं, भलाई से नफरत कर सकते हैं. So I was thinking in my own life as I heard as brother Kiran said that, you know, we want other bad things to happen to other people, so that is being a hater of good. और जैसे भाई किरण ने बताया कि किसी के साथ कुछ बुरा होता है तब हम अच्छा महसूस करते हैं. There was a time some years back when, you know, one father asked me for an opinion about a boy because he wanted, it was a proposal for his son's daughter's marriage.
और मुझे याद है कुछ साल पहले एक पिता ने मुझसे एक लड़के के विषय में, एक भाई के विषय में अपनी राय पूछी थी, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे थे। He felt I knew that person more. और मैं उस व्यक्ति को ज्यादा अच्छी तरह से जानता था। So I gave him a, I said he's a good person, but spiritually I don't think he's so much so good. He may be a nice person, but spiritually he may not be that up to the mark or something. और मैंने कहा कि वो ऐसे अच्छा व्यक्ति है, लेकिन आत्मिक रीति से मुझे इतना नहीं जान पड़ता। So he listened to that and he was happy for what I said. और उसने मेरी बातों को सुनी और मेरी बातों को सुन के वो खुश था, उसने सुन लिया अच्छे से। But later on, that his daughter got married to the same boy. लेकिन बाद में उस पिता ने अपनी बेटी की शादी उसी व्यक्ति से करा, उसी लड़के से करवाई। Then I felt that he has taken my opinion, but he still they got married. और मैं यह सोच रहा था कि उसने मुझसे मेरी राय पूछी और मैंने राय दी, फिर भी उसने उसका उल्टा करके अपनी बेटी की शादी उससे करवाई। Then you know, the thought was coming in me like he should know, like you know, he will come to know that what I said, my assessment was correct. और मैं ऐसे अपने मन में विचार करने लगा कि उन्हें बाद में पता चलेगा कि जो मैंने अपनी राय दी थी उस व्यक्ति के विषय में वो कितनी सच है। So I was wanting that boy. I wanted because my opinion was given. I wanted that boy to become like that. और मैंने जब मेरे मन में यह इच्छा आ रही थी बार बार कि मैंने जो राय उस भाई के विषय में उस व्यक्ति को दी है, तो वह लड़का उस रीति से जैसे मैंने राय दी है वो बन जाए। So that my opinion is correct. ताकि मेरी दी हुई राय उस व्यक्ति के विषय में सच्ची ठहरे। And the Lord showed me that what I'm desiring is so that my opinion will be correct, that boy will not go become better, but become in a different way. और मुझे परमेश्वर ने बताया कि तुम अपने मन में क्या इच्छा कर रहे हो, कि तुम यह नहीं चाह रहे हो अपनी दी हुई उस व्यक्ति के सामने राय सच्ची साबित करने के लिए, तुम यह चाह रहे हो वो अच्छे की तरफ ना बढ़े परंतु और बिगड़ते हुए बुरा बन जाए। So was I a hater of good? तो क्या मैं वहां पर भले का बैरी नहीं बना? I am just to, for that my opinion will be correct, I want that boy's, I'm not seeking his well-being. But I'm seeking something else. और यहाँ पर हम अपनी जांच में पाते हैं कि हम किसी दूसरे के लिए भले की बात नहीं सोचते, परंतु उसके बुरे के विषय में सोच लिए। There are things like that in our life. If we don't notice it, we will be wanting something not good, just because of our reputation for our what we stand for. और यदि हम अपने जीवन के विषय में जांच करके सावधानी से ना देखें, तो हम भी ऐसे हो सकते हैं कि हमारे अपने अच्छे के लिए, हमारी अपनी अच्छी बात को सच्ची साबित करने के लिए हम दूसरों का बुरा भी सोच सकते हैं। Take for instance, a brother leaves our fellowship and goes to another fellowship. मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कि हमारे बीच से कोई भाई यह कलीसिया छोड़कर चला जाता है और दूसरे संगति में जुड़ जाता है। And we know that we have a different opinion of him, but suppose he goes to a fellowship, what is our desire? Our desire is that somehow that he may find the Lord more in that place. और जब वह हमारी संगति को छोड़कर दूसरी संगति में जुड़ता है, तब हमारे मन में क्या होता है? हमारे अपनी अलग अलग राय होती है, लेकिन क्या हम यह सोचते हैं कि वहां जाकर वो परमेश्वर के करीब और बढ़े? What we could not do, suppose some other fellowship can do. कि जो हम नहीं कर पाए अपनी संगति में उसे रखकर वो दूसरे संगति और कलीसिया वाले मिलकर उस भाई के लिए करें। और हम यह ऐसा कहेंगे कि नहीं नहीं वो भाई ही ऐसा है और वो ऐसा ही रहेगा करके हम सोचते हैं। And we are not wanting the best in the people. और हम लोगों के लिए सबसे उत्तम बात को नहीं सोचते हैं। Then we become haters of good. और तब हम भले से बैर करने वाले बनते हैं। We don't want the good in people. और हम लोगों के लिए अच्छी बातों को नहीं चाहते। Brothers and sisters, suppose we are going through some difficulties, say financially. और मान लीजिए हम पैसों को लेकर या आर्थिक स्थिति में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं। Or any other problem in our family life. या हमारे परिवार के जीवन में कोई समस्या चालू है। When we see another family also going through that, we tend to feel happy. और हम चाहते हैं उस परिस्थिति में कि हम दूसरे परिवारों को भी जो मसीह में इसी समस्या से गुजरता हुआ देखकर हम अपने आप के विषय में खुश होना चाहते हैं। That is the nature of our flesh. और यह हमारी शरीर की लालसा है। Okay. So we want and our flesh desires that others are lesser than us.
और हमारा शरीर ऐसी लालसा करता है और इसका स्वभाव है कि दूसरे जो है वो हमसे तुच्छ है या नीचे है. Is it true? I don't know. My flesh is different from yours, I think. या मेरा जो शरीर है वो आपके शरीर से अलग है. So normally we this is very much related to jealousy. और यह हम जलन करने ईर्ष्या करने से हम इसकी तुलना कर सकते हैं. Jealousy only we feel all this. और जब हम दूसरों से जलन रखते हैं तब भी हम ऐसे महसूस करते हैं. When we have jealousy, we don't love the good of others. और जब हमारे अंदर दूसरों के प्रति जलन की भावना होती है तो उनके लिए हम अच्छा कभी नहीं सोचते. I want to say that even though so many years back God spoke to me, it's still a challenge for me. और मुझे याद है कि कई बीते वर्ष पहले परमेश्वर ने मुझसे इस विषय में बात की और आज भी मेरे लिए यह एक चुनौती की तरह खड़ा है. It doesn't go easily. और यह आसानी से नहीं जाता. But we have to desire it with all our heart. और हमें इसके लिए अपने पूरे हृदय से लालसा करनी है. You know, one of the qualities of an elder. और आपको पता है कलीसिया में अध्यक्ष प्राचीन होने की सबसे बड़ी गुणवत्ता क्या होती है? Titus chapter 1 verse 8. तीतुस अध्याय 1 वचन 8. Among some other things, one of the qualities of an elder is. और इन सारे गुण के अलावा एक विशेष करके गुण जो एक कलीसिया के अध्यक्ष या प्राचीन में होना चाहिए. But hospitable, loving what is good, sensible, just, devout and self-controlled. Loving what is good. पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्याय, पवित्र और जितेंद्रिय हो. So, just the opposite. One we find the list of the haters of good, and here one of the requirements of an elder is that he loves what is good. और हम यहाँ पर दो बातों को पाते हैं, एक कि जो भले से बैर करते हैं और दूसरे जो कलीसिया के विशेष करके प्राचीन या अध्यक्ष होना चाहते हैं, उनमें सबसे बड़ा गुण यह कि वो दूसरों के लिए भलाई को चाहते हैं. That means he loves in his heart the good of others. इसका मतलब है कि वो दूसरों के लिए अपने मन में भलाई को चाहता है, भलाई से प्रेम करता है. So what a quality that only God can give us. और यह ऐसा गुण है जिसे केवल परमेश्वर ही हमारे दिल में दे सकता है. सो There was one person by the name, you know, the story of Jonah. और हम एक व्यक्ति को जानते हैं योना नबी की कहानी को. And Jonah, God told him to go and preach to the Ninevites. और जो योना नबी को परमेश्वर जाकर कहते हैं कि निनवे शहर में जाकर तू प्रचार कर. Because their wickedness has come before the Lord, and God said, go and preach to them. और क्योंकि परमेश्वर योना से कहते हैं कि उनका धर्म बढ़कर मेरे सामने खड़ा हो गया कि मैं न्याय करूं और तुम जाकर वहां पे प्रचार करो. So they'll repent from that wickedness. और ताकि वो अपने किए हुए अधर्म के कामों से मन फिराएंगे. Jonah, he didn't go there, but he escaped and he went to Tarshish on a ship. और हम जानते हैं कि योना नबी परमेश्वर की बात नहीं सुनते हैं और वो निनवे जाने के बदले तर्शीश को चले जाते हैं. Then we know that there was a storm and they threw him down and the whale swallowed him up. और वहां पर हम देखते हैं कि समुद्र में भारी तूफान उठता है और वो लोग उसे उठाकर नाव में से समुद्र में फेंक देते हैं और बड़ी सी मछली व्हेल आकर उसे अपने पेट में ले लेती है. There in danger of his death, his life, he cried out to God and repented, and God made the whale to vomit him out. और वहां पर योना नबी अपनी जान को खतरे में पड़े देखकर कि अब वह मरने वाला है, परमेश्वर की दुहाई देता है और वह मछली वह व्हेल उल्टी करके योना को अपने पेट से बाहर निकाल देती है. God did not leave him. God said, "Now he go and preach to the Ninevites." और फिर भी परमेश्वर योना नबी को नहीं छोड़ते और कहते कि अब तुम उठो और जाकर निनवे में प्रचार करो. So he went a full day's walk. It was a big city, and he full day's walk, and he preached another 40 days or something, and Nineveh will be destroyed. और योना नबी लगभग एक दिन से वो पैदल यात्रा करता है, इतना बड़ा वो शहर है, और वो लगभग 40 दिन तक प्रचार करता है, कहता है कि 40 दिन के बीतने के बाद इस शहर को परमेश्वर नष्ट करेगा. जस्ट दैट ऑल थ्रू हिज वॉकिंग ही प्रीच्ड दैट. और वो पूरी अपनी पैदल यात्रा में इस बात का प्रचार करता है कि मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओगे. एंड वेरी सरप्राइजिंगली द पीपल स्टार्टेड रिपेंटिंग. और आश्चर्य की बात यह है कि योना नबी का प्रचार सुनकर कई सारे लोग उस शहर के निकलकर मन फिराते हैं. From the king onwards, everybody started repenting. और राजा से लेकर छोटे बच्चे तक सब लोग मन फिराना शुरू करते हैं. The king put a decree that everybody should not eat food and they to repent so God can change his mind. और जो राजा है वहां पर उस शहर में यह घोषणा करता है, आह्वान करता है कि सब लोग उपवास करके खाना न खाके प्रार्थना करके मन फिराओ, टाट तोड़कर राख सर पर डालकर. And then God saw this
wickedness of the people who are doing wickedness have repented and God changed his mind. और परमेश्वर जब देखते हैं कि ये जो लोग हैं जिन्होंने इतना घिनौने और काम के पाप किया है, ये अब मेरी बातों को सुनकर मन फिरा रहे हैं, परमेश्वर ने अपना विचार बदल दिया। We'll read Jonah chapter 3 verse 10. हम योना 3 का 10 पढ़ते हैं। Read Jonah chapter 3 verse 4. This is about Jonah's preaching. और योना 3 का 4 में हम पढ़ते हैं। योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। And then they repented and in verse 10 he says, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको न किया। So something very great and good happened in the city of Nineveh. और बहुत ही अच्छा और एक उत्तम बात पुरुष उस पूरे निनवे शहर के लोगों के बीच में हुई। 120,000 people repented and changed their ways. 120,000 लोगों ने अपने मार्गों को बदल दिया, मन फिराया और विचार बदल दिए। How would we feel when so many people repented? Suppose you hear in the city of Pune, 1 lakh people have repented today. We'll feel happy, right? हमें क्या कैसा महसूस होगा? मान लीजिए इस पुणे शहर में या मुंबई शहर में 1 लाख के करीब लोग मन फिराते हैं, क्या हम खुश नहीं होंगे? But, हम जरूर खुश होंगे। Jonah in chapter 4 verse 1 and 2, he was displeased. He says, I knew God is such a compassionate one. He simply sent me to preach, and now people have all repented. So bad. और यहाँ पर हम योना नबी के 4 अध्याय के एक पहले दूसरे तीसरे वचन में पढ़ते हैं कि लोगों का मन फिराना देखकर योना को दुख होता है कि पहले परमेश्वर मुझे कहते हैं जाकर प्रचार करो, और प्रचार करने के बाद उनका मन फिराना देखकर परमेश्वर अपना मन का विचार बदलते हैं, और वह सोचने लगा कि यह कितनी बुरी बात है। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं ये बात न कहता था? इस कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए अब हे यहोवा, मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। So you see that Jonah was instead of feeling happy, he was displeased. और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुश होने के बदले योना नबी दुखी हो गया है। Brothers and sisters, what about us when something good happens? Even when somebody repents and comes to the Lord in another fellowship, are we sad or are we happy? और यह हमारे विषय में हम क्या जांच करना है कि किसी दूसरे संगति में कोई भाई यदि मन फिराकर अपने गुनाह से पछता कर वो परमेश्वर के पास आता है, क्या हम उसके विषय में खुश होते हैं या दुखी होते हैं? Does it always have to happen here? Why not anywhere else? और क्या ये यहीं पर होना जरूरी है? क्या किसी दूसरे जगह पर मन फिराव नहीं हो सकता? In small things like that, we can see that we are not a lover of good but a hater of good. लेकिन इतनी छोटी सी बात में जांच करके हम पता लगा सकते हैं कि क्या हम भले से प्रेम करने वाले हैं या भले से बैर करने वाले। When we hear some good news, whether it's material, health-wise or financial, if our spirit sinks when we hear some good news, then we are in danger. और जब कभी हम कोई अच्छी खबर को सुनते हैं, चाहे वो शरीर के स्वास्थ्य के विषय में हो या वो पैसे के विषय में हो या वो संसार की चीजों के विषय में हो, यदि कुछ अच्छा होते हुए सुनाई पड़ते ही यदि हम अपनी आत्मा में अपने आप में नीचा और उदास महसूस करते हैं, तब हम भले के बैरी हैं। Bible says, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. और बाइबल ऐसा कहते हैं कि जो खुशी मनाते हैं उनके साथ तुम भी आनंद और खुशी मनाओ, जो दुखी हैं उनके साथ तुम भी रो। It doesn't have to be our family. और यह हमारा खुद का परिवार ही होना जरूरी नहीं है। Learn to be able to rejoice with all people. और हम दूसरों के साथ में भी जो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं, हम आनंद मना सके उनके खुशी में और रोने में उनके साथ रोए। God is so compassionate. और परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। Jonah chapter 4:11 we see that. Jonah 4:11. और हम योना 4:11 में पढ़ते हैं। फिर वह बड़ा नगर निनवे जिसमें 120,000 से अधिक मनुष्य है जो अपने दाहिने बाएं हाथ को भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उनमें रहते थे, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? So when we begin to have love for what is good, God opens our eyes to see things in a different way.
और जब हम दूसरों के साथ होने वाली अच्छी बातों के विषय में खुश होते हैं, तब परमेश्वर हमारे देखने के नजरिए को बदल देते हैं। He will take away the judgmental attitude and put compassion in our hearts. और हमारे अंदर वो दोष और न्याय करने वाले उस विचार को और उस स्वभाव को परमेश्वर दूर करके दूसरों के प्रति हम करुणा और दया दिखा सके, ऐसा करता है। So brothers and sisters, as I tell it to myself, I want to tell each one of us that let us be a lover of good. तो भाई और बहनों, जैसे मैं अपने आप से कहता हूँ, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि हम आए हम भले से प्रेम करने वाले बने। Let us not be in that category which says in the last days difficult times will come and men will be haters of good. और हम ऐसा ना हो कि अंतिम दिनों में हम उस सूची में हमारा नाम शामिल हो कि हम भले से बैर करने वाले बने। The Holy Spirit is there to help us, God is there to help us. और परमेश्वर और उसकी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए हर समय मौजूद रहते हैं। One of the things that you know when I tend to feel jealous of people. और एक प्रलोभन जिसमें जलन करने के विषय में मैं दूसरों को लेकर जलन करने में पड़ता हूँ। I make this prayer. मैं ऐसी एक प्रार्थना करता हूँ। I say, Lord, I pray for this person that you would bless this person much beyond measure, more than me. और bless him more, bless this person more than me. और मैं परमेश्वर से ऐसे उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसके विषय में मुझे जलन महसूस होती है कि परमेश्वर आप इस भाई को या इस बहन को और ज्यादा आशीष कीजिए, मुझसे भी ज्यादा इसको आशीष कीजिए। And that way I get separated, I get come out of that grip of that, you know, jealousy and God is able to do a marvelous work in each one of us. और तब ऐसी प्रार्थना करने के कारण उस जलन की मुट्ठी से मैं छूटकर बाहर आ जाता हूँ कि हम दूसरों का भी भला चाहें। So let us always desire the good, whether it is individuals or churches or anything, the good of other people, not the bad. और आए हम उस भले से प्रेम करने वाले और दूसरों के लिए भी भलाई सोचे कि ना के लिए अकेले व्यक्ति या अपनी ही संगति के व्यक्ति को लेकर नहीं, परंतु दूसरे संगति के भी विश्वासियों को लेकर। आमीन, आमीन।